हाई एवरी वन, दिस इज अनम, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने ही मिलेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो को देखना है, बहुत हेल्पफुल होगा इस टॉपिक के लिए ये वीडियो। देन उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर बेस्ड होता है, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सो पेपर 1 में आपके डिफरेंट यूनिट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से और टीचिंग एप्टीट्यूड से, मैथमेटिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स, सो इन सारे यूनिट से आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो लेक्चर्स हमारे पास एमसीक्यूज प्लस थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हम सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं वहाँ पर, किस तरीके से आप एमसीक्यूज के जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है आपको। उसी के साथ साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में याद रखिएगा आपको जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है उससे बेसिक नॉलेज आपको पूछी जाती है। सो जो कि हमारे नोट्स में हमने कवर कर रखा है, उसी तरीके से मॉक टेस्ट हर एक यूनिट पर आपको मॉक टेस्ट देखने मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ 3000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, और जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। सो इस तरीके से हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। पेपर 1 की सारी गारंटी हमारी होगी, हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो मैं आपको जल्दी से स्लाइड में बता दूं कि हमारे जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर 1 होता है, तो उसके लिए हम आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 आपका सारे यूनिट्स आपके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, इससे आपको पेपर 1 में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरी पहले आपको थ्योरी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखना है, जिसमें हम आपको बताते हैं सारी स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नोट्स, नोट्स हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन कर रखा है। आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो साइमल्टेनियसली आपको नोट्स भी रिफर करना है, और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट्स में हाईलाइट कर आपको बताया, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। देन मॉक टेस्ट, आपको सारे यूनिट्स पर मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड 3000 प्लस एमसीक्यू रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है, इसको आपको एग्जाम के 3 to 4 days पहले एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है इस पीडीएफ को। सो इस तरीके से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर 1 होता है उसके प्रिपरेशन को करना है। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो इस तरीके से हमारा लोगो है, ये हमारे ऐप का लोगो है। सो इसी ऐप पर जाकर आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी entrance examination. So that's it, and let's begin with the MCQ. First question, which of the following variables are present in experimental research? इस question में हमें find out करना है कि experimental research में कौन कौन से variables present होते हैं। So experimental research होती क्या है, हम ये पहले देखते हैं। So experimental research हमें बताती है कि cause and effect relationship between the variables. अब वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ना ही मैनिपुलेट करते हो, ना ही आप चेंज कर सकते हो, बस डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करते हो। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो बाकी सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और रिसर्च हो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखता है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होता है, बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल समटाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे वॉटर एंड प्लांट ग्रोथ, तो इस केस में हम देखेंगे वाटर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज हम वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा करते हैं। हो सकता है हम कभी 1 लीटर प्लांट को वाटर दे रहे हैं, कभी हो सकता है हम 2 लीटर प्लांट को वाटर दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपका वाटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और प्लांट की ग्रोथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज आप प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हो। अब इस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे विंड हो गया आपका, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो सनलाइट, विंड, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। सो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक वेरिएबल होता है, जिसको रिसर्चर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तीन वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डैश वेरिएबल यू मैनिपुलेट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं टू से इट्स अफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ एक ही ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो और इस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और रिसर्चर इन वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रखता है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इन वेरिएबल्स को रिसर्चर कांस्टेंट रखता है, सो उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल को भी रिसर्चर एक्सपेरिमेंट में ना ही मैनिपुलेट करता है और ना ही चेंज करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ ऐसा वेरिएबल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, जिसको रिसर्चर चेंज करता है टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल को और हम क्या कहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनली दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और जिसको आप चेंज करते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका अफेक्ट देखते हो क्या हो रहा है, और रिस्पॉन्स देखते हो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो। इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं मैनिपुलेशन वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं ये फाइंड आउट करना है। लेट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको रिसर्चर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉन्स्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, इसलिए कॉन्स्टेंट वेरिएबल को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है
जिसको रिसर्चर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई अफेक्ट ना करे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म ना करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose an experiment is conducted to know about the time taken by the different students who have slept 2, 4, 6 and 8 hours respectively to complete a homework. Which among the following is a dependent variable in this situation? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये देखने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दिया गया था और उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट स्लीपिंग आवर्स में स्लीप लिए हैं। सो इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक है आपका स्लीपिंग आवर्स एंड दूसरा है आपका होमवर्क कंप्लीशन। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है, स्लीपिंग आवर्स एंड होमवर्क कंप्लीशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है कि जो आपका स्लीप ड्यूरेशन है और स्लीप आवर्स है हर स्टूडेंट्स का अलग है। हर स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइम पर स्लीप लिया होगा, अलग अलग आवर्स की स्लीप ली है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन होमवर्क कंप्लीशन। सो यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टाइम टेकन टू कंप्लीट द होमवर्क, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है, स्टूडेंट्स। इस केस में स्टूडेंट फैक्टर आपका कोई फैक्टर ही नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। स्टूडेंट्स, इस केस में स्टूडेंट्स आपका कोई स्टडी का कोई वेरिएबल नहीं होगा या फिर कोई फैक्टर ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन बी, टाइम टेकन टू कंप्लीट द होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम ही होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करे बिटवीन द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रैंडमाइजेशन इन ग्रुप सिलेक्शन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका उसको रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाटर है, वाटर की क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं सिर्फ प्लांट को एक ही लीटर पानी डालूंगी, मैं प्लांट को कभी 2 लीटर पानी दे सकती हूँ, कभी 4 लीटर्स, कभी 5 लीटर्स, कभी 2.5 लीटर्स, हर बार मैं अलग अलग ले रही हूँ, रैंडमली मैं वाटर दे रही हूँ प्लांट को, मैं पहले से डिसाइड नहीं कर रही हूँ। इसलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हो बल्कि ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल वेरिएबल को हम क्या करते हैं। ओके, अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा वेरिएबल जिसको आप चेंज करते हो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम,
ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ऐसा वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व करते हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, वो वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हो। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, आप कंट्रोल वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्व नहीं करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है, कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जो कंट्रोल वेरिएबल होता है आपका, उसको आप कॉन्स्टेंट रखते हो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डैश वेरिएबल इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे स्टडी का पर्पस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम लेंगे एग्जांपल मास्क एंड कोविड स्प्रेड। ओके, अब यहाँ पर आपका मास्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज आप मास्क को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे होंगे जो मास्क ज्यादा पहनते हैं, कोई लोग ऐसे होंगे जो मास्क कम पहनते हैं। सो आप मास्क का इफेक्ट देख रहे हो कोविड स्प्रेड पर क्या हो रहा है, इसलिए कोविड स्प्रेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में आपके कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो इस केस में आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होंगे, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और होगा आपका मेडिसिन। सो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन ये फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो इस वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आपको गिवन है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक ऐसा वेरिएबल होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, ना ही पर्पस होते हैं, बट फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो इस ऑप्शन में हमें गिवन है कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, उन सबको कॉन्स्टेंट रखते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है आपका ऑब्जर्व वेरिएबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं करते हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं और ऑब्जर्व डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं। सो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं गिवन है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं गिवन है, और ऑप्शन ए और बी में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सलूशन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जांपल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल रिसर्चर्स को कंट्रोल करेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए, उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवेन है और इस एग्जाम्पल में ये गिवेन है कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को स्टडी करना है दो ड्रग की इफेक्टिवनेस देखना है डेंगू फीवर पर क्या हो रही है। सो ये स्टडी को परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर किस रिसर्च का यूज करेगा, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पर दो ड्रग है और उस ड्रग का डॉक्टर को इफेक्टिवनेस देखना है डेंगू फीवर पर क्या हो रहा है। सो आपका दो ड्रग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर ड्रग की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता है, इसलिए ड्रग जो होगा आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ड्रग का इफेक्ट देख रहा है डेंगू फीवर पर, इसलिए डेंगू फीवर आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है, सो हो जाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर डॉक्टर इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करेगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि कोई वेरिएबल्स के बीच में इफेक्टिवनेस और वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और कोई फेनोमिना को एक्सपांड करते हैं और कोई फेनोमिना के बारे में और जानते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज हिस्टोरिकल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल्स के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। So students, I hope the concept of experimental research is clear to everyone, and thank you for watching this video.